हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी गुड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफ एस ऑफ प्रो। यू कम फर्स्ट टाइम माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन, गेट नोटिफिकेशन, लाइक शेयर कमेंट एंड वॉच फुल वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावा सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट इन टू अ सिक्वेंस ऑफ बाइट्स विच कैन बी प्रीसीडेड टू अ डिस्क और डाटाबेस और कैन बी सेंड थ्रू टू स्ट्रीम। सीरियलाइजेशन क्या होता है, हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करता है सीक्वेंस ऑफ बाइट में, जैसे कि और उसको प्रोसेस्ड होता है, जैसे कि सीरियलाइज होता है, जैसे कि मैं किस में, जैसे कि डिस्क में, डेटाबेस में और स्ट्रीम को सेंड करते हैं। जैसे कि सपोज डेट हमारे, जैसे कि हमारा सीरियलाइजेशन कोई ऑब्जेक्ट है बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट हुआ है और हमें जैसे कि उसको स्टोर करना है, जैसे कि किसी फाइल में, मेमोरी में या डेटाबेस में, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, वो सीरियलाइजेशन होता है और उसके बाद फिर बाइट्स में कन्वर्ट होता है हमारा, बाइट स्ट्रीम में हमारा डेटा, जैसे कि फाइल से या मेमोरी से या डेटाबेस से, फिर उसके बाद किसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है तो हमारा डीसीरियलाइजेशन होता है। वो हमारा डीसीरियलाइजेशन पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं, हमारा सीरियलाइजेशन होता है। और किसी भी जैसे कि जो हमारा बाइट स्ट्रीम में या फाइल में जो हमारा डेटा स्टोर है उसको हम दोबारा रिट्रीव करते हैं तो हमारा क्या होता है, वो डीसीरियलाइजेशन होता है। जैसे अ क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल इंटरफेस प्रेजेंट इन java.io पैकेज इन ऑर्डर टू सीरियलाइज इट्स ऑब्जेक्ट सक्सेस। जावा सीरियलाइजेशन हमें किस पैकेज में, हमारा ये java.io पैकेज में हमारा ये होता है सीरियलाइजेशन। जैसे कि एग्जांपल के लिए जैसे लेते हैं, जैसे कि हमारा यूट्यूब है, यूट्यूब पे हम जैसे सपोज दैट कोई वीडियो देखते हैं, ठीक है, बट हमारा कहीं अर्जेंटली हमें कुछ काम आ गया, वीडियो को पॉज करना पड़ गया, अपने काम को हम करके दोबारा वापस आए और उसको हमने फिर से स्टार्ट कर दी अपनी वीडियो। तो जो हमारा पॉज होता है वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा वो सीरियलाइजेशन कहलाता है। तो ये हमें इस तरह अचीव होता है, जावा को और पावरफुल, जावा के उफ कॉन्सेप्ट को ये और पावरफुल बनाता है। जैसे कि जावा के उफ कॉन्सेप्ट जैसे क्या हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया और बहुत सारी चीजें हो गई। तो उसकी क्या होता है, वो पावरफुल बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सीरियलाइजेशन का यूज करते हैं। जैसे कि why do we need जावा सीरियलाइजेशन, जावा सीरियलाइजेशन की हमें आवश्यकता क्यों, सीरियलाइजेशन अलाउज अस टू ट्रांसफर ऑब्जेक्ट थ्रू अ नेटवर्क बाय कन्वर्टिंग इट इनटू अ बाइट स्ट्रीम। हमें नेटवर्क में डेटा को ट्रांसफर करना होता है तो हमें बाइट स्ट्रीम में करना पड़ता है, अलाउ करता है। और इट आल्सो हेल्प इन प्रिजर्विंग द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और डी सीरियलाइजेशन रिक्वायर लेस टाइम टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट देन एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास। सीरियलाइजेशन सेव टाइम, और सीरियलाइजेशन हमारा क्या होता है, टाइम सेव करता है। वंस कैन इजिली क्लोन द ऑब्जेक्ट बाय सीरियलाइजिंग इट इनटू बाइट स्ट्रीम एंड देन सीरियलाइजिंग इट। और सीरियलाइजेशन हेल्प टू इम्प्लीमेंट प्रसिस्टेंस इन द प्रोग्राम। सीरियलाइजेशन किसकी हेल्प करता है, हमारा प्रोग्राम में प्रसिस्टेंस मतलब बनी रहे उसकी हेल्प करता है। और पॉइंट टू रिमेंबर वाइल इम्प्लीमेंटिंग सीरियलाइजेबल इंटरफेस इन जावा, all of the associated object must implemented the serializable interface or you can save non static data member with the serializable interface. Child class does not need to implement the serializable interface if the parent class has already implemented. The serializable interface does not store the value of non static or transient data type. Serializable interface value को store करता है, जैसे कि non static value को और ट्रांजियंट डेटा टाइप की। और ड्यूरिंग डी सीरियलाइजेशन द कंस्ट्रक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन अनकॉल्ड। ये हमारे क्या होगा, इसके कुछ पॉइंट हो गए सीरियलाइजेबल इंटरफेस के इम्प्लीमेंट होता है। और जैसे कि एडवांटेज ऑफ इसके एडवांटेज क्या है सीरियलाइजेबल के, जैसे कि सीरियलाइजेशन प्रोसेस इज अ बिल्ट इन फीचर दैट डज नॉट रिक्वायर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर टू एग्जीक्यूट सीरियलाइजेशन। द सीरियलाइजेशन प्रोड्यूस इज proven to be simple and easy to understand. Or serialization produce is universal and developer from different background are familiar to it. It is easy to use and simple to customize. Serialized data stream support and encryption, compression, authentication and secure Java computing. Or there are many critical technology relying on the serialization. So, हमारे इसके कुछ advantage होगे। और disadvantage क्या होगे serialization के, जैसे कि the process of serialization is inefficient in term of memory utilization. Utilization में क्या होता है, serialization inefficient होता है। और sometimes the byte stream does not convert into object completely, which lead to error. कभी कभी क्या होता है, हमारा जो बाइट कन्वर्ट नहीं होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, जैसे कि इट्स डज नॉट अलाउ फाइन
कंट्रोल व्हेन एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट्स। कुछ डिसएडवांटेज हो गए सीरियलाइजेशन के, जैसे जावा प्रोवाइड सीरियलाइजेबल एपीआई एनकैप्सुलेटेड अंडर java.io पैकेज फॉर सीरियलाइजिंग एंड डिसीरियलाइज। क्या होता है, इसकी एपीआई पे हमें प्रोवाइड होती है, जैसे कि java.io.serializable और ये हमारे पैकेज हो गया, और java.io.externalable और ऑब्जेक्ट इनपुट आउटपुट स्ट्रीम और ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। तो इसके क्या हो गए, हमारे पैकेज हो गए जो हमारे java.io पैकेज में हमारा इन्वॉल्व होते हैं। और जैसे कि मेकर इससे इंटरफेसेस क्या हो गए, जैसे कि मेकर इंटरफेस क्या होता है, जैसे कि मेकर इंटरफेस इज अ स्पेशल इंटरफेस इन जावा विदाउट एनी फील्ड एंड मेथड। मेकर इंटरफेस इज यूज टू इन्फॉर्म कंपाइलर दैट द क्लास इम्प्लीमेंटिंग इट हैज सम स्पेशल बिहेवियर और मीनिंग। और java.io serializable का हमारे इंटरफेस हो गया java.lang clonable और java.rmi.remote और java.util.randomaccess। तो इसके क्या हो गए, हमारे इंटरफेसिस हो गए सीरियलाइजेबल। इसमें क्या होता है, हमारे स्पेशल टाइप के हमारे फील्ड होती है और मेथड होते हैं मेकर इंटरफेस में, जिसे हम इसको प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं अपना। ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है। अब इसको जैसे कि हमने इम्पोर्ट किया java.io.serializable, हमने क्या किया, इसको इंटरफेस को हमने क्या किया, इम्पोर्ट किया। और हमारी क्लास है पब्लिक क्लास स्टूडेंट इम्प्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल। इंटरफेस क्या होता है, तो मैंने आई बटन में लिंक दे दिया, आप वहां से इसको चेक कर सकते। और जैसे स्टूडेंट किसको इम्प्लीमेंट कर रहा है सीरियलाइजेबल को कर रहा है। इंट हो गया आईडी, हमारा वेरिएबल हो गया, और स्ट्रिंग क्या हो गया, नेम, हमारे दो इसके क्या हो गए, वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं। और फिर पब्लिक स्टूडेंट हमारा कंस्ट्रक्टर है। फिर उसके बाद उसमें हमने दो हमारे क्या हो गए, इसमें पैरामीटर पास कर रहे हैं, जैसे इंट आईडी कॉमा स्ट्रिंग नेम, और उसके बाद दिस डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी और दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। और उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्टर क्लोज, हमारी क्लास क्लोज हो गई। तो ये हमारा स्टूडेंट क्लास हो गई। उसके बाद हम सीरियलाइज कर रहे हैं, जैसे कि हमारा दूसरा प्रोग्राम है, जैसे इम्पोर्ट किया हमने java.io.stk, इसके पैकेज को हमने इम्पोर्ट किया। फिर क्लास है हमारी सीरियलाइजेशन एग्जांपल, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस, ट्राई ब्लॉक में स्टूडेंट s1 हमने एक वेरिएबल बनाया, मतलब उसका रेफरेंस वेरिएबल बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, हमारा कंस्ट्रक्टर था, उसमें वैल्यू पास करी 201 John। आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में मतलब और जानकारी चाहिए तो आपको आई बटन में लिंक दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जैसे कि हमारा 201 John, तो हमने इसमें दो वैल्यू पास कर दी। और स्टूडेंट s2 हमने बनाया, उसमें भी हमने यही किया, न्यू स्टूडेंट, उसमें दूसरी वैल्यू पास कर 202 Jerry। और स्टूडेंट s3 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट 203 Sam, इसमें हमने दो वैल्यू पास कर दी, हमने 3 इसके ऑब्जेक्ट बनाए s1 s2 and s3। फिर हमारा फाइल डॉट आउट स्ट्रीम, हमारा ये क्या करता है, हमारा सीरियलाइजेशन, जैसे कोई हमारी फाइल है उसको सीरियलाइजेशन प्रोवाइड करता है। हमें सीरियलाइजेशन फंक्शन अगर परफॉर्म करना हो तो फाइल डॉट आईओ स्ट्रीम हमारा जो हमारी क्लास है उसके थ्रू हम करते हैं, जैसे एफ डॉट आउट इक्वल टू न्यू एफ डॉट आउट स्ट्रीम। फिर उसके बाद हमारा जो भी क्लास का पाथ है, ठीक है, हमें जहाँ पर डेटा को अपना स्टोर करना है, ठीक है, हमने पाथ को उसमें दे दिया। उसके बाद फिर आउट ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, आउट इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम एफ डॉट आउट, आउटपुट स्ट्रीम हमारा क्या करेगा, बाइट में कन्वर्ट कर देगा जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट डॉट आउटपुट स्ट्रीम हमारा क्या करता है, सीरियलाइजेशन परफॉर्म करने के लिए हमारा ये हमें सीरियलाइजेशन परफॉर्म करते हैं इसके थ्रू हम। और उसके बाद हमने उसमें एफ आउट, हमने का जो उसके कंस्ट्रक्टर में हमने एफ आउट हमने पास कर दिया। फिर आउट डॉट राइट ऑब्जेक्ट s1, आउट डॉट राइट ऑब्जेक्ट s2, आउट टू डॉट राइट ऑब्जेक्ट s3। फिर हमने तीन ही जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे s1 s2 s3, इसमें हमने पास कर दिए। फिर आउट डॉट फ्लश आउट डॉट क्लोज, ये हम और हमारा आउट राइट हो गया हमारा जो फाइल में डेटा, उसके बाद हमारा फ्लश भी हो गया क्लोज भी हो गया। सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन सीरियलाइजेशन एंड डिसीरियलाइजेशन बीन सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। और उसके बाद हमारा ट्राई ब्लॉक क्लोज, फिर कैच एक्सेप्शन ई, हमारा जो भी एक्सेप्शन होगी सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन, हमने एक्सेप्शन को प्रिंट करा दिया। फिर हमारा फिर मेन मेथड क्लोज, हमारी क्लास क्लोज हो गई। और उसके बाद हमारा अब डिसीरियलाइजेशन कैसे करेंगे, जैसे कि हमने इम्पोर्ट किया java.io.stk, इसके पैकेज को हमने इम्पोर्ट किया। फिर हमारी क्लास है डी सीरियलाइजेशन एग्जाम्पल, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन args, फिर ट्राई ब्लॉक में आउट ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम क्या करता है, हमारा ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम हमारा क्या परफॉर्म करवाएगा हमसे, जैसे कि डी सीरियलाइजेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इससे। फिर उसके बाद in is equal to new ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, फिर न्यू, फिर इसमें जो भी उसके कंस्ट्रक्टर में फाइल इनपुट स्ट्रीम के थ्रू हम क्या करेंगे, हमारा डेटा वहाँ पर स्टोर है उसको हम गैदर करेंगे, मतलब रिट्रीव करेंगे। ये भी हमारा फाइल इनपुट स्ट्रीम डिसीरियलाइजेशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। फिर उसके बाद जो भी उसके
फाइल का पाथ है इसको हम यहाँ पर दे देंगे। फिर हमने स्टूडेंट एस वन इज इक्वल टू, हमने एक वेरिएबल मतलब इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया इज इक्वल टू स्टूडेंट, हमारा क्लास हो गई। फिर इन डॉट रीड वैल्यू को वो रीड करेगा। फिर स्टूडेंट एस टू इज इक्वल टू स्टूडेंट, स्टूडेंट इन डॉट रीड ऑब्जेक्ट जो भी मतलब उसकी दूसरी लाइन में होगा उसको जितनी भी मतलब उसकी वैल्यूज होंगी वो हमें एस वन एस टू एंड एस थ्री में वो देगा। उसके बाद स्टूडेंट डॉट प्रिंट एल एन एस एस वन डॉट आई डी और एस वन डॉट नेम, एस वन डॉट आई डी और उसके नेम को हम प्रिंट करा देंगे। ऐसे ही एस टू डॉट आई डी एस टू डॉट नेम उसके उसको भी प्रिंट करा देंगे। फिर स्टूडेंट डॉट प्रिंट एल एन फिर एस थ्री डॉट आई डी एस थ्री डॉट नेम, तीनों ही जो भी इसमें वैल्यू होगी उसके आई डी और नेम को हम प्रिंट करा देंगे। फिर आई एन डॉट क्लोज, फिर उसके बाद फाइल को हम क्लोज कर देंगे। फिर हमारा ट्राई ब्लॉक क्लोज, फिर कैच एक्सेप्शन ई, फिर उसके बाद जो भी एक्सेप्शन होगी स्टूडेंट डॉट प्रिंट एल एन ई को प्रिंट करा देंगे। फिर मेन मेथड क्लोज, हमारी क्लास क्लोज हो गई। तो इस तरह हम कैसे सीरियलाइजेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, हम जैसे कि सीरियलाइजेशन दो चीज़ें परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फाइल आउटपुट स्ट्रीम और ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू, और डिसीरियलाइजेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम और फाइल इनपुट स्ट्रीम के थ्रू हम डिसीरियलाइजेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डेटा फाइल में सेव करते हैं तो हमारा सीरियलाइजेशन कहलाता है, और फाइल से हम डेटा को रिट्रीव करते हैं तो हमारा वो क्या कहलाता है, डिसीरियलाइजेशन कहलाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे हमारा प्रोग्राम है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो भी हमारी फाइल है जैसे कि जावा सी स्टूडेंट डॉट जावा की नेम से जो हमारी फाइल है उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। हमने इसको कंपाइल कर दिया, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जावा सी सीरियलाइजेशन एग्जाम्पल डॉट जावा के नेम से हम क्या करेंगे, इसको हम इसको भी जो दूसरी फाइल है ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम कंपाइल करेंगे। फिर उसके बाद हम जावा सीरियलाइजेशन एग्जाम्पल फाइल को हम क्या करेंगे, रन कराएंगे, तो उसमें क्या आएगा, हमारा सीरियलाइजेशन एंड डिसीरियलाइजेशन इज बीन सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, ये हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है सीरियलाइजेशन। फिर उसके बाद हमारा दूसरा है जावा सी डिसीरियलाइजेशन एग्जाम्पल डॉट जावा के नेम से इसको भी क्या करेंगे, हम कंपाइल करेंगे। फिर उसके बाद हम अब इसको हम रन कराएंगे जावा डिसीरियलाइजेशन, इसको हमने रन कराया तो हमारा जैसे आउटपुट आ रहा है 201 जॉन 202 जेरी और 203 सैम। तो हमारा तीनों ही फाइल जैसे हमने जो क्रिएट करी थी, जैसे कि हमने एक स्टूडेंट लिया उसको हमने जैसे कि फाइल हमने क्रिएट करी उसमें जैसे क्लास क्रिएट करी और वो किससे इम्प्लीमेंट हो रही सीरियलाइजेबल से, और उसके बाद सीरियलाइजेशन करने के लिए हमने क्या किया, सीरियलाइजेशन एग्जांपल है हमने क्लास बनाई। फिर उसके बाद जो भी हमने डेटा को हमने क्या किया, फाइल में स्टोर करवाया, तो हमने फाइल में स्टोर करवाया तो हमारा वो सीरियलाइजेशन कहलाता, तो उसकी क्लास को हमने कंपाइल किया और रन कराया। फिर उसके बाद हमने फाइल से डेटा को रिट्रीव करने के लिए हमने क्या किया, डिसीरियलाइजेशन अप्रूव एक हमने दूसरा प्रोग्राम मतलब फाइल क्रिएट करी उसको हमने उसमें प्रोग्राम को राइट किया, उसके बाद हमने इसको कंपाइल किया जावा सी डिसीरियलाइजेशन एग्जांपल डॉट जावा के नेम से उसको रन कराया जावा डिसीरियलाइजेशन एग्जांपल। फिर उसके बाद हमारे इसका आउटपुट आ रहा है। तो इस तरह हम सीरियलाइजेशन और डिसीरियलाइजेशन परफॉर्म करते हैं जावा में, जो कि अब जावा के उस कॉन्सेप्ट को और पावरफुल बनाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, प्रेस बेल आइकन गेट नोटिफिकेशन।